भैया मन भी है तो जयकारा लगा के प्रतियोगिता कदी रहले चालू करन दीदी मन ढाले करन का बा हर चीज में लेडीज फर्स्ट कहे जाते कैसे किया राशन कार्ड हम देख पे तो दीदीच मन के फोटो छपे रहते स्मार्ट कार्ड हम देख पे तो दीदीच मन के फोटो रहते जॉब कार्ड हम देख पे तब दीदीच मन के फोटो रहते तो क्यों ना सबसे पहले दीदीच मन ढाले चालू करते कैसे दीदी चलो बोलिए रक्षा रामचंद्र की देखो तो तुहर मन के जब फोटो रखे आगे में तो पति भी ना का करती है दीदी तुहर मन के अगर फोटो रखे तो साथ में भैया मन के नाम के बिना का महत्व रखे भैया मन के नाम रखे सब महत्व है तो चलो भैया मन कम थोड़े है भैया मन निवेदन बोलिए रक्षा रामचंद्र की अब राम की कथा ला सुनना है तो ना हम दीदी को सुनाते हैं आप सभी बैठ जाएंगे अपने अपने जगह पे आप सभी से निवेदन आप सभी बैठ जाएंगे यह रामचंद्र की जय आज देखो समान मात्रा में रामचरितमानस की कथा ला सब जन ला सुनना है दीदी मन ला भी सुनना है और भैया मन ला भी सुनना है तो चला सब जन जब सुनना है तो सब जन आज मिल के परमपिता परमात्मा राम नाम की जयकार लगाता है बोले लखन श्री रामचंद्र की देखो अब चलतन रामचरित्र विमानस में लखने के आक्रमा का होते कि जिन समय गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस की रचना करिश्ना तो मैं सात कांड के निर्माण करिस और सात कांड में एक कांड है बाल कांड अब यही बाल कांड जे बाल कांड ला परमपिता परमात्मा श्री राम जी के श्री चरण के जत्थे है और कहे जत्थे बाल कांड है बाल रशीला बाल कांड है बाल रशीला और जन्म विवाह रघुवर की लीला जी हाँ परमपिता परमात्मा राम के अवतार हुई विवाह हुई और लीला करी वैष्णव एक बिहाव में जाबो दाई हम सब कौन से बिहाव भगवान शंकर और माता पार्वती के बिहाव में जिला भूत बाबा भोलेनाथ भगवान शंकर के बिहाव कहे जाते हैं जे बिहाव में गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखे लगे सवारन शकल सुर वाहन विविध विमान अरहोहि शगुन मंगल सुभद करहि अक्षरागान देखो आज भगवान शंकर के बिहाव है बजरंग महतारी हो और बिहाव है बजरंग ना तो भगवान शंकर के बिहाव कबर हुई सबसे पहले प्रश्न उठते कि भगवान शंकर के बिहाव कबर हुई सब जन से मैं प्रश्न पूछूं कथा में ध्यान लगाऊं ना तब काम के वरना जेल भी हम सुना था सब मिलता है तो आज भगवान शंकर के बिहाव कबर हुई तारकासुर नाम के एक जन दैत्य राक्षस रखे तो दैत्य राक्षस के मर्दन के एक उपाय इसका भगवान शंकर और पार्वती के विवाह हुई ओगर से जे पुत्र की उत्पत्ति हुई ना ओकरे से तारकासुर नाम के दैत्य के मर्दन लिखा है देवता मन विचार करें का विचार करें भगवान शंकर और समाधि लीन है कैलाश पर्वत में और जहाँ भगवान शंकर समाधि में तभी हाल कुम करी और कैसे ये तारकासुर के वध हो ही तो उपाय तो नहीं भगवान शंकर ला समाधि से जगाए ना पड़े ही कथे कामदेव जाके बुलाई कामदेव सुखर दले और भगवान शंकर के तपस्या भंग करी महातारी हो भंग करे के बाद भगवान शंकर के तीसरा नेत्र खुली और कामदेव जो है जल के भस्म हो गए जल के भस्म हो ना तो कामदेव की पत्नी के नाम रही रति रति आज रोवत रोवत भगवान शंकर के चरण में आके गिर जाते कथे हे शंकर जी मोर पति से का गलती कर ली जेकर कारण ते ओला भस्म कर दे अब मोर पति के बिना मोर काहे करती आज रोई न लगी महातारी हो रति भगवान शंकर के चरण न पकड़ के भगवान शंकर कथे रो मत रति तोरो बनी है तीन गति और तोला में ही तोर प्राण पति तो माता रति कथे प्रभु ते मुला कहा था कि मत रो रति तोरो बनी है गति और तोला में ही तोर प्राण पति की कहते
तब कब मिले प्रभु मोर पति आपका पर मोर पति के बिना मोर कोनो गति नहीं है कथे रती जे समय भगवान विष्णु जो है कृष्ण के रूप में अवतार ली ना और वो समय भगवान कृष्ण के पुत्र बड़े कौन प्रद्युम्न और ही प्रद्युम्न रही तोर पति कामदेव अब तो लगो समय तो पति के प्राप्ति हो ही आज भगवान शंकर समाधि ले उठ गए जैसे उठिसना देवता मन विनय प्रार्थना करते भगवान से की प्रभु शंकर ते बिहाव कर ले भगवान शंकर कहते मैं बिहाव कर ले कागर सब बिहाव कर हूं कथे राजा हिमांचल और रानी मैना के एक जन बेटी सुंदर से सुकन्या है जेकर नाम है पावनवती प्रभु ते बिहाव कर ले भगवान शंकर कहते नहीं जी मैं बिहाव नहीं करो काबर नहीं करो मैं भगवान के भी भक्ति में लीन हूं देवता मन फेर गते मातारी होगी कर ले प्रभु बिहाव कर ले तोर पर नहीं करते हमर मन पर कर ले कथे मैं बिहाव करके का कर ते बिहाव कर में परमपिता परमात्मा त हमर मन के कल्याण है का कल्याण तारका सुर नाम के एक झंडे है पार्वती संग में जब फिर ते बिहाव कर पे ना और तुहर दोनों से जब पुत्र उत्पन्न हुई उग्रे द्वारा तारका सुर के मर्दन है भगवान शंकर सचि सरे ऐसन बाते कथे पर ही सरिष धर्म नहीं भाई और पर पीरा शम नहीं अधमाए दूसर के हित ले बढ़ के दुनिया में कोई हित नहीं मातारी हो और दूसर के दुख ले बढ़ के ए दुनिया में कोई दुख नहीं है आज परम पिता परमात्मा शंकर जी ही विचार करी और विचार करे के बाद देवता मन ला कथे ठीक है जी सबके हित अगर होते ना मोर बिहाव करे से तो चलो ठीक है मैं बिहाव करे पर तैयार हो देखो भगवान शंकर बिहाव करे पर तैयार होगी मातारी हो निमंत्रण भेजा थे सब पुढ़हर और किरणम जते भी नर नारी है ना सबको शंकरा आज निमंत्रण भेजा था तो दीदी मन का कर हो दीदी मन निमंत्रण ला स्वीकार करके भगवान शंकर के बिहाव में ढेरी नौ सुवासिक बनू बनू नहीं दीदी अब भैया मन का करू भैया मन भगवान शंकर के बारात जाओ तैयार हो सब जन तैयार हो ना तो देखो आज भगवान शंकर बिहाव पर तैयार हो गए तो देवता मन कथे परम पिता परमात्मा ते बिहाव पर तैयार हो गए ना तब ते तैयार हो गए लास पर्वत में अब हम जाते हैं अपन अपन लोक में हम मल अपन अपन वाहन से जाना है लगे सवारन शकल सुर अब वाहन विविध विमान सब जन देवता मन आज अपन अपन तैयारी करे लगी साज श्रृंगार करे लगी कि भगवान भोलेनाथ के हम सबला बरात जाना है चल तो तीस अब देखा थे नंदी नंदी का देखा थे नंदी देख के कहते प्रभु ला प्रभु देवता मन ला जब जरूरत रही ना तो कर आगे हाथ जोड़ के तो लमन आज चल तीस बिहाव कर ले कहीं के तते का एक जन बिहाव कर कर पे एक जन पूरा साज श्रृंगार ला कटर पे मड़वल छाटर पे तेन हंदी एक जन चुपटर पे तो तैयार कर रही कथे नंदी जी हमारा अपन है ना वही हमारे साथ भी है परम पिता परमात्मा कथे नंदी हम शमशान घाट में रथन मरघट में रथन और मरघट में जते भी भूत परे थे ना सब हमार संगवारी है सब हमार अपन है वही मन हमला साथ ही कथे नंदी ते शंख ला बजा बेटा और शंख जैसे ही बजा पे ना तो जते भी भूत परे थे सब जन हमार कैलाश पर्वत में आके हमने तैयार कर रही है नंदी वैसे चली नंदी शंख ला धरी और शंख ला बजाई महाकारी हो देखो संघ के आवाज कौन कौन सुने हो संघ के आवाज कौन कौन सुने हो संघ के आवाज आज जात कहा किरना गांव के मरघट में रही हो का पर भगवान शंकर के बिहाव करना है तो दूर भूत मन कहा नहीं मरघट ले आए किरना गांव मरघट में आज और दुनिया में जितने भी मरघट है ना सब जगह संघ की आवाज चल दे से गीत वहां ले आज भूत प्रेत मन आगे सब जगह निकल के आगे अपन अपन जगह ले मटिया भूत प्रेत सब जना के भगवान शंकर के चरण में परते कथे प्रभु का पर बुलाए हस ब्रह्म पिता परमात्मा भगवान शंकर कथे सुना जी मैं तुम्हारा सब जने कर सती बुलाए हो मोर बिहाव की तैयारी करना है मैं पार्वती संग बिहाव करत हो मोर कोनो तैयार करे या नहीं है और तू ही मन मोर अपन हरो कब्र के जाते ना मतलब कि इस संसार में कौन किसी का होता है अरे मतलब कि इस संसार में कौन किसी का होता है और धोखा वही देता है संतों जिस पर भरोसा होता है आज
भगवान शंकर विश्वास कर रही देवता मन पर, देवता मन भगवान शंकर के बिहाव में तैयारी करवाए न छोड़ के अपन मन तैयारी करे न चल रही तब हो सगुण मंगल शुभ और यक्षरागान जतेक भी संसार में स्वर्ग में अप्सरा है ना सब नित्य करते भगवान शंकर के बिहाव को तब भूत प्रेत मना के भगवान शंकर के चरण पर कथे परम पिता परमात्मा धन्य है हमर जीवन जे आपन हमला अपन बिहाव में बुला हम जब ले मरे हन तब ले हमला कोनो अपन बिहाव की बुलाए प्रभु अति हमला अपन बिहाव बुलाए हस कोनो बुला तो दीदी हो भूत प्रेत मला बिहाव में भैया मन बुला तो गा भूत प्रेत मला बिहाव में ही छुपाई पाई भूत प्रेत मना हमला कोनो नहीं बुलाए अब एक जन दी हमला चिरी हस प्रभु जे हमला तोर बिहाव में बुलाए कथे चलो जी अब बिहाव में आ गए हो और निमंत्रण पहुंच गए दीदी हो सबो झनकरा भगवान शंकर के एक एक रस वाला करना है आज कथे परम पिता परमात्मा जतेक भी मटिया रथे परेती रथे ना सब लगते तुम ढेरी न सुवासी तकिरना गांव के कौन कौन दीदी ढेरी न सुवासी बनना चाहिए हाथ उठा दो का पर देखो ढेर ही बनी तब फायदा फायदा में रही फोकट के लुगरा में ही बने सुंदर सुंदर फोकट के मोटी चूर के लारू खाना में रही अब फोकट के होते तक मैं भूत परे तरह देखे मिली देखा है तो कौन कौन बनू ढेरी ना सुवासी आज मटिया परे तीन मन और जब एक भी भूत है ना सब जन भगवान शंकर के बिहाव की तैयारी इस महत्वारी हो तो सबसे पहली आज सरई और श्रेगोना के लगे मड़वाला छाए की तैयारी करी कहाँ कैलाश पर्वत में अब मड़वाला कैसे छत है देख सरई श्रेगोना के दाई Bye.
करेंगे। तब पहली बार जैसे ही लगाते ना, तब परमपिता परमात्मा शंकर जी के शरीर में जब तक भी काम रहते सबके नाश हो जाते हैं। दूसरा तेल जैसे ही चढ़ाते तब पार्वती के संग में भी हाव करे पर दूसरा तेल चढ़े। तीसरा तेल चढ़ाई तो तारकासुर नाम के जन दैत्य है तेकर मर्दन करे पर भगवान शंकर तीसरा तेल चढ़े। चौथा तेल चढ़ाई तो चौथा तेल जैसे ही चढ़ते ना देवता मन के हित करे बड़े चढ़े। पांचवा तेल चढ़ाई तो जतेक भी संसार में संत मुनि ज्ञानी है सबके हित करे बर पांचवा तेल चढ़े। छठवा तेल चढ़ाते तो जतेक भी संसार में भक्त है भगवान के सबके हित करे बर छठवा तेल चढ़े। और सातवा तेल जैसे ही चढ़ाते ना तो संसार के हित करे बर जगत के हित करे बर परमपिता परमात्मा श्री शंकर जी के शरीर में शांत तेल चढ़े। महातारी हो तो कनो कनो कथे का कथे बाबा ते पार्वती ला बिहाय भर जापे और ते तोर शरीर में लाखन चुपरत है। बने बने सेंठ ना लगाते बने बने तेर हड्डी ना चुपरते सुखर दान तोर शरीर ला सजाते प्रभु तते कैसे राखन चुपरत है तोर शरीर में। भगवान शंकर कथे जी शरीर ला हम कतना भी सजा ले दिखत ले जीवन के सुंदर तो एदाई हो शरीर ना हम कितना भी सजा ले और अंत में जब हम मरबो ना तो केवल एक मुट्ठी राख ही होना है। भगवान शंकर यही कारण से भभूत ना चुपरी सपन शरीर में तो कनो कनो फेर कथे बाबा अतेक पर संसार है अब अतेक पर संसार में रोज लाखों आदमी मरते और लाखों आदमी जिंदा होते तब परमपिता परमात्मा तेका सबो व्यक्ति के राख ला अपन शरीर में चुपर थस। परमपिता परमात्मा शंकर कहते नहीं जी मैं सबके शरीर के भस्म अपन शरीर में नहीं चुप रहा तो कैसन के शरीर के चुप रहा। देखो दाई हो लकड़ी एक प्रकार के होते और वही लकड़ी ले जब हम चूल्हा में जलाते हैं ना खाना बनाए पर तो और लकड़ी के बनते का राख बनते है और वही लकड़ी ले जब हम यज्ञ कुंड में जलाते हैं हवन कुंड में जलाते हैं तो लकड़ी के भस्म बनते। तो भगवान शंकर कहते हैं जे व्यक्ति अपन जीवन में पाप करते अधर्म के रास्ता में चलते मर्यादा न तोड़ते पराई स्त्री के ऊपर बुरी नजर रखते और ऐसा व्यक्ति जब मरते ना तो उसका शरीर के अंत में राख बनते और भस्म कर बनते। जे व्यक्ति अपन जीवन में पुण्य के काम करते जे व्यक्ति धर्म के रास्ता में चलते जे व्यक्ति सत्संगति करते जे मर्यादा में रखे और ऐसा व्यक्ति जब मरते ना ओकर शरीर के अंत में जो है भस्म बनते और यही भस्म ला परमपिता परमात्मा शंकर जी के शरीर में जो करते। आज एक एक करके परमपिता परमात्मा शंकर जी के साज और श्रृंगार चलत है शरीर में बाघम पर लपेट ली तो कनो कनो फेर करते बाबा ते दुल्हा राजा बना थे पार्वती के बने बने कपड़ा पहन बने बने सूट ला पहन तो ते कहां शेर के खाल ला पहन थस। भगवान शंकर कहते नहीं जी जीवन में हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश जब भी करते ना तो गृहस्थ जीवन संयम के जीवन है गृहस्थ जीवन धर्म के रक्षक के जीवन है गृहस्थ जीवन संस्कार के जीवन है और शेर का है संयम के ओकरे कारण परमपिता परमात्मा शंकर जी आज शेर के खाल ना धारण करे। परमपिता परमात्मा शंकर जी हाथ में त्रिशूल ना धरी तो कनो कनो फिर कहते बाबा पार्वती विष्णु जाबे और त्रिशूल ना देखाबे तो पार्वती माता कहती ते बने पार्वती संग विवाह कर जाते बने बने गुलाब के फूल धर के जा हाथ में माता पार्वती देवे ये लो पार्वती के बने बने चंपा चमेली फूल धर के जा तो ते त्रिशूल धर के जाते। राजा हिमांचल के नगर के व्यक्ति को न भोंभुवे ते त्रिशूल धर के जाते। भगवान शंकर कहते नहीं जी त्रिशूल त्री माने होते तीन और शूल माने होते कांटा माने हमर जीवन के तीन कांटा का क्या है काम क्रोध और लोभ ये तीन कांटा हमारे जीवन में जब भी रहते ना हम संसारिक जीवन ले परे नहीं हो सकन और तीन कांटा के कारण हमें गृहस्थ जीवन में दुख पतन जहाँ हमें तीनों लपरवस में करें ना माने संसारिक दुनिया में हम विजय प्राप्त करतन। आज परमपिता परमात्मा हाथ में त्रिशूल जटा में गंगा माथ में चंदा और मोर के रूप में सांप धारण करी कोनो कोनो कथे प्रभु ते सांप लगा पर धारण करे हस मोर के रूप में सांप ला धारण करे तो कथे सांप का है काल अब काल ला जे धारण करे कोने महाकाल है। भगवान शंकर कहते नहीं जी हम ला जिंदगी में कभी एक बात नहीं भूलना चाहिए का
कि हमर मूड में हमेशा काल ना चक्रत है कब कबे तक शंका हो जाई ना महतारी हो तेकर कोनो ठिकाना नहीं है तबे तक ये जाते ना पल से पल में क्या हो जाए पल से पल में क्या हो जाए अरे पता नहीं तकदीर का और ये गति ब्रह्म की तरह नटारे अजब खेल रघुवीर का भगवान के खेल पर आने वाला है किस तरह हो आज परमपिता परमात्मा शंकर जी के साज श्रृंगार होंगे कान में कुंडल के रूप में बिछिया धारण करी तैयार होंगे बराती जाए पर भगवान शंकर लग ही प्रभु तो बरात जबो अब बरात जबो करेंगे तेरे तो नहीं जावन देखो भैया मन अभी बरात चाहिए तो किरना ले कैलाश पर्वत तक करेगा तेरे का जही और कैलाश पर्वत ले राजा हिमांचल के घर में रहेगा तेरे का जही बरात नहीं जाए तेकर लिए का है भगवान शंकर लगते प्रभु दू जान ठटकार ला बुकिंग कर देते दू जान ठट बड़े बड़े ट्रैक्टर ला बुकिंग कर देते सबो जन वहीं बैठ के जाते परमपिता परमात्मा तुर बरात प्रभु शंकर कथे नहीं जी एकर कोई जरूरत नहीं है का पर मोर वाहन तैयार है कथे कौन वाहन है मोर वाहन है जी नंदी है नंदी ला आज परमपिता परमात्मा शंकर जो एक आवाज लगा थे कथे नंदी कौन कौन सुनियो नहीं नंदी को आवाज ना नंदी आवत ना एक नंदी की से भगवान शंकर के बरात जलाएंगे के अब एक नंदी आज आगे भगवान शंकर के वाहन बन के आज नंदी की आगमन हुई नंदी या कथे बेटा नंदी नंदी कथे गाय प्रभु नंदी कथे गाय प्रभु तो कथे बेटा नंदी हमला बरात जाना है और बरात जाना है ना तो मैं तोरे ऊपर बैठ के बरात जाऊं अब फिर देखिए भूत पर एक मन कथे प्रभु ते नंदी बैलक बैठ के जावे बरात बैला धीरे धीरे नहीं वो कले चाहे कम करना पर पिता परमात्मा बने घोड़ा ना मंगा ले जब तक उदावे उसका भागी घोड़ा हा घोड़ा बैठ के जा बैलम का पर बैठ के जा फस भगवान शंकर कहते नहीं जी घोड़ा का है काम में और बैला का है धर्म है धर्म का है संस्कार है लइका में कैसे संस्कार डालना है कैसे मर्यादा में रहना है ये बैला सिखाते और घोड़ा का है काम काम माने होते इच्छा गृहस्थ जीवन इच्छा के जीवन में महत्वारी हो गृहस्थ जीवन धर्म की रक्षा के जीवन है आज भोले बाबा जो है नंदी बैला में सवार होके दूध फूद और जब तक भी देवता गए हैं सबके साथ में मिल के आज बरात जाते हैं तो भैया मन कौन कौन बरात जाऊ और दीदी मन घलो जाऊ का वो कौन कौन मन तो कौन कौन बरात जाऊ कोनो चीज जाऊ बरात चलो आज भगवान शंकर के बरात चलते कहां कैलाश पर्वत ले राजा हिमांचल के घर में और राजा हिमांचल के घर में आज देखो बराते के आओ भगत कैसे होते We'll be right back.
राजा हिमांचल के नगर में। अब पराते जैसे ही जाते ना दाई हो तो लड़का मन सबसे शुरू दौड़ा दौड़ा जाते का देखे बराते कि हमार दीदी के उगर वर कैसन है, उगर दूल्हा राजा कैसन है। ऐसने सोच के आज राजा हिमांचल के नगर के लड़का मन दौड़ा दौड़ा आगे कहा जे जगह बराती रहिस ते जगह आके देखिस देखिस ना आगो में रहे देव बामन हा और पाछो डहा रहे भगवान शंकर और जब देख के ढूल भूत रहिस ना सब पाछो डहा रहिस। आज जैसे ही लड़का मन आई देवराज इंद्र ला पूछते सुन जी तही है रस्ता हमर दीदी पार्वती दुल्हा राजा। इंद्र कथे नहीं जी मेनुआ मो पार्वती दुल्हा राजा को यो हुए। लड़का मन खुश हो गए का पर अतिक सुंदर जगर बराती है सुखर साज सिंगार में जगर बराती है ओकर दुल्हा राजा तो कितने सुंदर हुए है। जा पूछे भगवान विष्णु ला तही हरण जी हमर दीदी पार्वती दुल्हा राजा कथे नहीं भैया मेनुआ पार्वती दुल्हा राजा तो कहां है हमर दीदी पार्वती दुल्हा राजा। एक जन दीदी हमार पार्वती है बैठे देखो एक रो भी हावली हुए दाई हो देखो भगवान शंकर आज पाछो डहान है अब पाछो डहान है ना ता आज नहीं का मन पथे कहां है हमार दीदी पार्वती घर वाला है ओकर दुल्हा राजा कहां है कथे पाछो डहान है भैया पार्वती मां तक वर जो है पाछो डहान है कथे देखे जब अब देख मेरा वो कैसा दुल्हा है या कैसा बराती है तेला गीस देखेला का देखते दई हो मुड़ी की मुड़ी दिखत है कहां दिखत है भूत बरात मन दिखत भूत के बरात है सब जन नाचत गावत है कनो कनो कैसे है देखो कनो कनो के अपन कन मुड़ी है त काकरो एक जन मुड़ी है काकरो काकरो पर जान हौला सन पेट है त काकरो पेट है काकरो मुड़ है त काकरो मुड़ नहीं है काकरो हाथ है तक काकरो हाथ नहीं है कोनो ऊपर मोठा है तक कोनो रहन करिए संचित का है। देखो ऐसन बराती नहीं कमन देखिस देखिस ती करो करो मन खून पियन पियन नाचत गावन जाते बरात में नहीं कमन देख के आज भर लागे महतारी हो जाके अपन दाई ददला बताई श्री मां आज ऐसन ऐसन बराती हमर दीदी पार्वती के आहे जेकर वर्णन नहीं करे जा सके ऐसन भूत परे तो ऐसन अलौकिक बरात आज हमर हिमांचल नगर में आहे। देखिस हो गए बात अब बारी आ गए भोजन करे के तो भोजन करे पर किस और के और बराती मन बैठे हैं भोजन करे पर तो सबसे शुरू कौन जाते नहीं हो भोजन बनाते पर अब खवाना है भोजन तो भोजन खवाए के मेरा सबसे शुरू कौन जाते भोजन परोसे पर कौन जाते भैया हो एक जन भात धरे रहते साग धरे रहते दाल धरे रहते एक जन पत्री धरे रहते तो कौन जाते सबसे शुरू कौन जाते पतरी ने गैया जाते सबसे शुरू तब पतरी ने गैया कैसे लगा देखो एक जन भैया इसे जे पतरी ने गाते अब कौन हरे तेरा नहीं जाना भगवान शंकर के बराती में हो भगवान शंकर के बराती में पतरी ने गाते तो जेकर चार ठन हाथ है चार ठन हाथ कैसे है एक ठन हाथ का घुड़ान एक ठन हाथ का चुड़ान एक ठन अगल में एक ठन बगल में तो पतरी ने भैया कैसे पतरी बांटी ले तो बता सोचे वाला बात है पदरी दे भैया कैसे पदरी बांटी ओ बेचारा सोच में पड़ के कथे चार ठन हाथ है तो का करी एक ठन पदरी आ गुना एक ठन पदरी पछू डहन एक ठन अगल में अब एक ठन बगल में चार ठन पदरी लो कर बना दी सीवे अब कनो कनो में पांच ठन मुड़ी है अब एक ठन शरीर है पदरी बटे या फिर जब हम पर गया कैसे पदरी बांटो कथे एक ठन शरीर पांच ठन मुड़ी पांच ठन पदरी लो कर अगुन बना दी सीवे पांच ठन पत्रिंग कई एक जना दुनिया ऐसा नेक्स्ट ने बराते अवई से नेक्स्ट ने भोजन करत करत असबो रस परिवार परमपिता परमात्मा शंकर जी के हुआ थे महंतरी हो ओके खाना पीना खा गई तब पारी आगे का कर टीका मन के और टीका मन के बिरा आते ना तो सबो जन अपन अपन दहन ले कुछ मन सुना करते कुछ कुछ समान परमपिता परमात्मा भगवान शंकर और माता पार्वती ला सब प्रेम भेंट करते अब टीका मन के बेरा कैसे होते अमन सुनन भजन के माध्यम से यही धर्म ले धारा
जिला और माता पार्वती जिला। आज राजा हिमांचल और रानी मैना जो है अपन दान करें और दान करें ना तो परमपिता परमात्मा शंकर जी के चरण पकड़ लेते। आज माता मैना और राजा हिमांचल जो है चरण पकड़ के आज परमपिता परमात्मा शंकर से विनती करते महापरि हो का विनती कि प्रभु मैं आज अपन फूल जैसे बेटी तुला देवत हूँ। हर एक माता पिता के यही तो इच्छा रहते महापरि हो कि जे बेटी ना छोटे ले बड़े करे रखे जे सुख अपन बेटी ले अपन घर में देते ना वही सुख की कामना ससुराल में करते। आज एक पिता का सोचते एक माँ सोचते का सोचते कि परमपिता परमात्मा एक निवेदन प्रभु का निवेदन कि मोर बेटी के गोड़ में मैं आज तक कभू कांटा नहीं गड़ा रहे हूँ। मैं जैसे भी रूख सुखा खा के अपन जीवन व्यतीत करे हूँ लेकिन हे परमपिता परमात्मा मोर बेटी के गोड़ में कभू आज कांटा ना गड़ा नहीं दे। आज ऐसा सोच के राजा हिमांचल और रानी मैना जो है बेटी पार्वती के हाथ ला भगवान शंकर के हाथ में देख के शुक्र कले आज पार्वती माता जो है विदय करते है। भूखी हो बेटी का बने के बाय।
जीवन व्यापन करके आज जे कारण से भगवान शंकर के विवाह हुई ताल का सुर के वध करे बर भगवान शंकर और माता पार्वती से कार्तिकेय के जन्म हुई और कार्तिक के द्वारा ताल का सुर नाम के दैत्य राक्षस के मर्दन हुई। बोले शंकर भगवान।